हेलो एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई ए एस आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट माई नेम इज़ अक्षय सोनी रीजनिंग मैंटोर एट अभिमन्यू आई ए एस एंड टूडे इन दिस सेशन दैट इज़ फॉर अभ्यास टू पॉइंट ओ जो कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के है के लिए है तो इसमें रीजनिंग के सेशन में जो कि सेवन सेशन है इसमें आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन टॉपिक आई होप आपने प्रीवियस वीडियोज़ को भी गो थ्रू किया होगा जो भी सिक्स सेशन हमने लगाए हैं ठीक है थेके? तो आज हम इसमें पी वाई क्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे साथ ही साथ हम इसमें कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे और कुछ इसमें कुछ मैंने क्वेश्चन ऐड भी किए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो जल्दी से हम सेशन को शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो हमारा टॉपिक आ गया ठीक है पी पी वाई क्यूज़ और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा लाइव बैच है दैट इज़ फास्ट ट्रैक एच सी एस प्रीलियम फास्ट ट्रैक बैच ये आप अवेल कर सकते हैं फॉर थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज़ ठीक है सेवेंटी फाइव डेज आ, के लिए ये है और आ, मैं बताना चाहूँगा कि अभिमन्यु आई जो कि नंबर वन इंस्टीट्यूट है फॉर एच प्रिपरेशन इसने 51 प्लस सिलेक्शन दी थी 2021 में और 27 प्लस सिलेक्शन थी 2022 में ठीक है अब देखिए इस बैच में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं इसमें आपको ऑफलाइन कोर्स ऑनलाइन कोर्स सी एस क्लासेज पी नोट्स टेस्ट सीरीज़ और मैंटरशिप ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो रही हैं तो यू कैन जॉइन दिस और साथ ही साथ में अब इसमें कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टली आते हैं तो कॉन्सेप्ट देखिए क्या है डायरेक्शन क्या रहती हैं आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से ये डायग्राम रहता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट ठीक है अब देखिए क्या होता है कि आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है जो सीटिंग अरेंजमेंट है थोड़ा से इससे रिलेटेड ही है ठीक है उसमें आपको बड़ा क्वेश्चन बनेगा इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा छोटे लेवल का भी बन सकता है तो आपने क्या करना जब भी क्वेश्चन करना है तो आपने सामने जो डायरेक्शन है उसको कंसिडर करना आपने नॉर्थ पीछे डायरेक्शन है साउथ ठीक right है east, आपके राइट हैंड साइड को डायरेक्शन है ईस्ट आपके लेफ्ट हैंड साइड को डायरेक्शन है वेस्ट ठीक है ऐसे कंसिडर करना अब देखिए नॉर्थ और साउथ में इसमें एंगल कितना आता है इसमें आता है वन डिग्री का ईस्ट और वेस्ट में एंगल कितना आता है इसमें भी वन डिग्री पर देखिए नॉर्थ और ईस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें एंगल आता है नाइन्टी डिग्री ठीक है इनके बीच में से भी कुछ डायरेक्शन जाती हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे आपको नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन मिल रही है वो मिल रही है नॉर्थ ईस्ट साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट ठीक है और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे इनमें एंगल कितना है इसमें बन रहा है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में फोर्टी डिग्री का एंगल अब आपने एंगल्स को याद रखना है कि एंगल आपको कितने जो है इसमें मल्टीपल किस किस के मिलेंगे एक तो मिलेगा आपको नाइन्टी का मल्टीपल ठीक है 90 के आएंगे वन टू सेवेंटी थ्री सिक्सटी ठीक है फोर फिफ्टी एंड फाइव फोर्टी ठीक है फोर फिफ्टी इस तरह से कि कोई भी एक पर्सन है वो कंप्लीट टर्न करने कंप्लीट जो है थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल मतलब क्या है पहले नॉर्थ में फेस कर रहा है ऐसे क्लॉक वाइज घूमा फिर से नॉर्थ पे आ गया तो 360 सिक्सटी बट अगर नाइन्टी और चल पड़ता है तो कितना बन जाएगा 90 उसमें ऐड कर देते हैं तो 450 अगर उसमें फिर से 90 ऐड करते हैं तो कितना बन जाएगा फाइव फाइव फोर्टी तो इस तरह से आपके एंगल बनेंगे आप साथ ही साथ आपने एंगल याद रखने इसमें 45 डिग्री डिग्रीज के 45 के एंगल आएंगे इसमें जो मल्टीपल इसमें 90, 135, 180, 225, 270, 315 एंड 360 डिग्री ठीक है तो ये मल्टीपल्स आप अगर आप याद रखेंगे तो आपको एंगल बेस्ड जो क्वेश्चन रहते हैं उनको आप इजीली कर पाएंगे ठीक है अब आपने याद रखना है कि जब भी कोई पर्सन इस तरह से क्लॉक वाइज में टर्न करेगा तो क्लाक वाइज में क्या टर्न होता है उसको बोलेंगे हम राइट टर्न ठीक है जैसे कि नॉर्थ में कोई पर्सन देख रहा है उसके राइट जो है ईस्ट की तरफ है उसका लेफ्ट वेस्ट की तरफ है ठीक है कोई पर्सन अगर ईस्ट में फेस कर रहा है उसका लेफ्ट जो होगा नॉर्थ की तरफ उसका राइट साउथ की तरफ एक पर्सन जो कि साउथ में फेस कर रहा है उसका राइट वेस्ट की तरफ उसका लेफ्ट ईस्ट की तरफ एक पर्सन ऑलरेडी वेस्ट में फेस कर रहा है तो उसका जो राइट right बनेगा वो नॉर्थ की तरफ और उसका लेफ्ट बनेगा जो साउथ की तरफ ठीक है तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने यहाँ पे राइट right बना क्लॉक और लेफ्ट क्या बनेगा लेफ्ट बनेगा एंटी क्लॉक आप देख भी सकते हैं इसमें ठीक है अब अगर आपको ऐसे बोला जाए इसमें कि टर्न लेफ्ट करना है तो टर्न लेफ्ट का मतलब है नाइन्टी डिग्री लेफ्ट टर्न राइट right करना है तो 90 डिग्री राइट ठीक है तो इन चीज़ों का ध्यान रखना अगर इसमें एंगल मेंशन है जैसे कि 45 डिग्री जो है लेफ्ट टर्न करना है तो उसका मीनिंग है कि 45 डिग्री ही टर्न करना है ठीक है जैसे कि अगर कोई मान लो पर्सन जो है नॉर्थ में फेस कर रहा है उसको लेफ्ट टर्न करना है फोर्टी डिग्री तो वो कहाँ पर टर्न करेगा नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट पर चला जाएगा तो इधर उसका टर्न होगा ठीक है तो आई होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें समझ आया होगा अब आपने ध्यान रखना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है ठीक है कि जैसे मान लीजिए ए बी और सी ये इसमें तीन साइड है जिसमें लॉन्गेस्ट साइड जो है इसमें सी लेके चले हैं तो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसका स्क्वेयर क्या रहता है जो छोटी दो साइड है उनके स्क्वेयर के सम के बराबर होगा तो सी क्या आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्यर ठीक है तो आपको इसमें स्क्वेयर्स का इसमें इंक्लूजन होगा इन चीज़ों का ध्यान रखना आपने ठीक है चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे और वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में गिवन है कि ए ए स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक्स फाइव मीटर फाइव किलोमीटर इन नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स थ्री किलोमीटर देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फाइव किलोमीटर पॉइंट पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच ही इज गोइंग नाउ कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा है तो देखिए क्योंकि इसमें एंड डायरेक्शन इसमें पूछी गई है पहली डायरेक्शन आपको गिवन है तो आपने ध्यान रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए देखिए पहले वो नॉर्थ में चला ठीक है फिर क्या किया उसने लेफ्ट टर्न लिया फिर फिर से लेफ्ट लिया तो ये कहां पे जा रहा है साउथ में इस चीज को हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं आपने याद रखना है कि पहले डायरेक्शन तो आपको गिवन है उसमें कितने लेफ्ट कितने राइट है मान लो जैसे इस तरह से आ जाए देखिए एक लेफ्ट होता है 90 का दूसरा लेफ्ट कितना है 90 का तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 180 अब ये जो है 180 हम किस पे लगाएंगे नॉर्थ पे ठीक है बट अगर मान लो ऐसे आ जाता है इसमें पहले उसने लेफ़्ट लिया फिर राइट लिया फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट तो क्या करते हैं एक लेफ्ट से दूसरे एक लेफ्ट एक राइट को कैंसिल कर दो दूसरे लेफ्ट से दूसरे राइट को जो बच गया उसको अप्लाई करो किस पे जो आपको इसमें जो भी डायरेक्शन गिवन होगी ठीक है जो पहले डायरेक्शन गिवन है ओके तो इस तरह से आप इसमें शॉर्ट कट कर से करते हैं कर सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा आंसर आएगा इसका साउथ जो कि आपके पहली ऑप्शन बन रही है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ये क्वेश्चन के बने यहाँ पे कि ट्वेल्व थर्टी जो है आर हैंड ऑफ द क्लॉक इज नॉर्थ एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज साउथ अब देखिए थोड़ा सा एरर है इस क्वेश्चन में एरर क्या है कि जब इस तरह से अगर हम क्लॉक को बनाते हैं उसमें बारह तो यहाँ पे होगा एक यहाँ पे है, ठीक है और सिक्स यहाँ पे है. जब भी ट्वेल्व थर्टी होगा तो यहाँ पे ये मिनट हैंड इधर आएगा ठीक है और आर हैंड जो रहेगा वो ट्वेल्व एंड वन के बीच में रहेगा तो एग्जैक्ट नॉर्थ में नहीं आ गया बट हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो मिनट हैंड है वो तो साउथ में आ रहा है ना इससे हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि यहाँ पे साउथ है तो ऊपर क्या होगा नॉर्थ इस साइड क्या होगा राइट साइड राइट साइड होगा ईस्ट ठीक है और लेफ़्ट साइड क्या होगा वेस्ट ठीक है तो उसमें क्या पूछा गया है इसमें कि ट्वेल्व टू फोर्टी फाइव पे मिनट हैंड कहाँ पे होगा तो मिनट हैंड देखिए यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे तीन होगा यहाँ पे नौ होगा तो नौ की तरफ वो पॉइंट करेगा मिनट हैंड तो ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है ये बता रहा है वेस्ट तो इसका आंसर क्या आएगा वेस्ट डायरेक्शन ठीक है चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस क्वेश्चन में बोला है कि रजत स्टार्ट्स वॉकिंग वेस्ट फ्रॉम हिज कॉलेज देन रजत टुक वन लेफ्ट लेफ्ट टर्न एंड वन राइट टर्न एंड देन अनादर लेफ्ट टू रीच हिज होम इन विच डायरेक्शन इज रजत सोम फ्रॉम हिज कॉलेज देखिए इसमें क्योंकि लेंथ आपको नहीं दी गई है तो आपने क्या करना है उसको वैसे इमेजिन कर लेना है इसमें कि थोड़ा हम बराबर उसमें लेके चले देखिए पहले इसने कॉलेज से ये कॉलेज है मान लीजिए कॉलेज से वो वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया फिर क्या किया उसने उसने एक लेफ़्ट लिया एक लेफ़्ट लिया तो ये कॉलेज से लेफ्ट नीचे आएगा फिर क्या किया एक राइट लिया इसने तो ये राइट इधर आ जाएगा ठीक है फिर क्या आएगा फिर यहाँ पे फिर से क्या किया इसने एक लेफ्ट लिया लेफ्ट नीचे आएगा यह लेफ्ट लिया इसने नीचे और उसके बाद क्या किया वो अपने होम पहुंच जाता तो है. है तो यहाँ पे इसका होम है ये कॉलेज है तो कॉलेज से अगर हम देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन है अब आपने ध्यान रखना है इसमें आंसर कैसे करेंगे इसमें बोला गया है कि कॉलेज यहाँ पे एंड में कॉलेज है क्वेश्चन मार्क के साथ में जो भी यहाँ पे पॉइंट होगा उससे हमने देखना है जो भी इसमें पहले पॉइंट पर जैसे कि यहाँ पे रजत होम बोला गया है. तो रजत का होम जो है इससे कॉलेज से कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है देखिए लेफ्ट की तरफ होता है वेस्ट स्ट्रेट लेफ्ट वेस्ट नीचे देखेंगे तो ये नीचे बन रहा है तो नीचे क्या होता है साउथ तो ये दोनों के बीच में बन रहा है ना तो दोनों के बीच में बन रहा है तो कौन सा पॉइंट आएगा साउथ वेस्ट इसका आंसर बनेगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो है इसका पेपर का नाम भी लिखा गया है इसमें कौन सा ईयर में जो है ये भी आपको पता चल रहा होगा तो इसमें क्वेश्चन में बोला कि सौरभ वॉक टेन मीटर वेस्ट टेन मीटर वेस्ट में उसने वॉक करना शुरू किया टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक ट्वेंटी मीटर क्या किया पहले इसने वेस्ट में जो है वॉक करना शुरू किया टेन मीटर फिर उसने क्या किया एक लेफ्ट लिया और ट्वेंटी मीटर उसने नीचे वॉक करना शुरू कर दिया फिर उसके बाद क्या किया टू का राइट उसने एक राइट टर्न लिया और वॉक करना शुरू किया उसने वॉक किया टेन मीटर तो उसने देखिए यहाँ से राइट करेगा तो राइट का आपने ध्यान रखना है कि क्लॉक वाइज राइट होता है तो ये राइट टेन मीटर और उसके बाद देन ही टू का लेफ्ट टर्न उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया और कितना किया ट्वेंटी मीटर वॉक किया ठीक है यहाँ पे ट्वेंटी मीटर उसने नीचे वॉक किया उसके बाद क्या किया देन ही टू का राइट टर्न एंड वॉक टेन मीटर उसके बाद क्या किया उसने एक राइट टर्न लिया और वॉक कितना किया वॉक किया उसने टेन मीटर ये टेन मीटर उसने वॉक किया उसके बाद फाइनली ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक फोर्टी मीटर तो देखिए इसने यहाँ से राइट right टर्न लेगा तो राइट आएगा ऊपर की तरफ ठीक है फोर्टी मीटर इसने वॉक किया अब देख सकते हैं आप यहाँ पे ट्वेंटी है और ये ट्वेंटी तो स्ट्रेट अगर हम देखेंगे इस पॉइंट से लेके यहाँ तक इस लाइन तक तो क्या मिल रहा है इसमें ये स्ट्रेट एक लाइन में बन जाएगा इधर ठीक है तो कितना इसने किया 40 मीटर इसने वॉक किया अब इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कि हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये बन रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट जो है कितना बन रहा है टेन ये बन गया टेन ये बना टेन ये बना टोटल कितना बना टोटल बना थर्टी मीटर जिसमें कि टेन मीटर ये है और ट्वेंटी मीटर आगे बन रहा है ठीक है अगर इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन पूछे तो कौन सी डायरेक्शन बनेगी इस पॉइंट के लेफ्ट के लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का बन, मतलब है वो बनेगा वेस्ट में ठीक है तो इसका ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए थर्टी अब ये क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बोला गया है रजत वॉक 20 मीटर टुवर्ड ईस्ट रजत ने ईस्ट की तरफ वॉक करना शुरू किया 20 मीटर टू का लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर देखिए ये 20 मीटर उसने ईस्ट की तरफ वॉक करना शुरू किया ठीक है फिर उसके बाद क्या किया एक लेफ्ट टर्न लिया इसने और 20 मीटर वॉक किया ऊपर की तरफ जो है इसने टर्न किया और ट्वेंटी मीटर वॉक किया उसके बाद देन टूक अ राइट टर्न एंड वॉक ट्वेंटी मीटर ठीक है इसके बाद क्या किया इसने राइट right टर्न लिया और वॉक किया ट्वेंटी मीटर फिर उसके बाद देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक ट्वेंटी मीटर एक्चुअली मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया इसको तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ देखिए इस तरह से था इस पॉइंट से उसने ट्वेंटी मीटर वॉक किया ईस्ट की तरफ फिर इसने राइट right लिया राइट right टर्न लेने के बाद इसने वॉक किया टुक अ लेफ्ट टर्न लेफ्ट टर्न लिया और वॉक किया ट्वेंटी और उसके बाद क्या किया उसने राइट right टर्न फिर से लिया और वॉक किया ट्वेंटी ठीक है तो यहाँ से उसने वॉक किया ट्वेंटी और उसके बाद देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक ट्वेंटी अगेन इसके बाद क्या किया लेफ्ट फिर से लिया ऊपर की तरफ लेफ्ट आएगा ट्वेंटी फिर से वॉक किया ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फोर्टी मीटर क्या किया अब इसमें लेफ्ट टर्न कहाँ पर आएगा अब इस केस में लेफ्ट आएगा इधर ठीक है तो यहाँ पे इसने 40 मीटर जो है वॉक किया अब आप चेक कर सकते हैं 20 ये है 20 ये। है तो ये टोटल 40 बना मतलब इस पॉइंट से स्ट्रेट ऊपर आएगा अगर हम इसमें डायरेक्शन पूछी जाएगी तो उसमें से हमें जो हम फाइनली बता सकते हैं ना अभी देखिए फाइनली ही टुक हिज लेफ्ट एंड वॉक ट्वेंटी मीटर इसके बाद यहाँ पर जब पहुँचा तो उसके बाद क्या किया इसने इसने इस पॉइंट से लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला वो ट्वेंटी मीटर ट्वेंटी मीटर चलने के बाद इस पॉइंट पे वो स्ट्रेट आप समझ सकते हैं देखिए है। यहाँ पे ट्वेंटी है और इधर भी क्या होगा ट्वेंटी तो ये ही ऊपर अगर इसमें टर्न ऊपर जो है मूव करेगा तो कितना आएगा ट्वेंटी मीटर तो उसने क्या किया कौन सी डायरेक्शन में अब देखिए इसमें बोला गया कि रजत जो है फाइनली कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है अब इसमें फाइनली फेस कर रहा है इसमें साउथ को अब इस क्वेश्चन को जो मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताया उससे डायरेक्टली रिलेटेड है देखिए क्या किया उसने पहली डायरेक्शन याद रखना आपने ईस्ट फिर क्या किया एक लेफ्ट लिया तो पहला लेफ्ट फिर क्या किया एक राइट right, फिर आ, फिर से लेफ्ट लिया ठीक है उसके बाद फिर से लेफ्ट ठीक है तो यहां पे आपने इन इनको पॉइंट्स को याद रखना है लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट ठीक है और एक उसने फाइनली एक और लेफ्ट लिया तो ये चार लेफ्ट आ गए ना चार लेफ्ट का मीनिंग क्या आएगा ये चार लेफ्ट जो होंगे एक होता है नाइन्टी का जैसे इसको कैंसिल कर दो आप ठीक है इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे जो है एक जो है दो लेफ्ट है दो लेफ्ट का क्या मीनिंग है एक लेफ्ट का मीनिंग होता है आपका आ, एक लेफ्ट होता है नाइन्टी का ठीक है ये दो लेफ्ट है ये वन एटी है अब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा टू अब आप देख सकते हैं इसमें कि क्या करेंगे लेफ्ट टर्न लेंगे ईस्ट की तरफ है ईस्ट से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे लेफ्ट टर्न लेंगे 90, 180, 270 तो कौन सी डायरेक्शन आएगी डायरेक्शन आएगी साउथ जो कि हम इसमें निकाल भी चुके थे तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे अगर आपको फाइनली उसमें फेसिंग ही पूछी हो या डायरेक्शन पूछी हो ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला गया कि गौरव वॉकड 60 मीटर वेस्ट एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 60 मीटर देखिए क्या किया 60 मीटर वेस्ट की तरफ हो उसने वॉक किया ठीक है फिर उसके बाद क्या किया एक लेफ्ट टर्न इसने लिया और कितना चला वो सिक्सटी मीटर चला एक लेफ्ट लेने के बाद सिक्सटी मीटर चला उसके बाद देन took a लेफ्ट टर्न एंड वॉक ट्वेंटी मीटर इसके बाद देखिए यहाँ पे इस जगह से वॉक किया उसने ट्वेंटी मीटर लेफ्ट लेने के बाद देन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक ट्वेंटी किलोमीटर ठीक है तो इसमें भी क्या किया इसने एक और लेफ्ट लिया तो लेफ्ट लेने के बाद कहाँ पे चलेगा ऊपर तो देखिए यहाँ पे अगर 20 है तो ऊपर कितना बचा 40 इसी तरह से अगर यहाँ तक 20 है तो आगे कितना बचा इस पॉइंट से अगर मैंने कनेक्ट करना है तो यहाँ तक कितना बचा इस पॉइंट तक यहाँ तक बना 40 ठीक है उसके बाद देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वर्कड 20 किलोमीटर इसके बाद देखिए यहाँ पे राइट टर्न दिया हमारे राइट right की तरफ इसका राइट right होगा और कितना चला वो ट्वेंटी ठीक है तो ट्वेंटी चलने के बाद वो यहाँ पर पहुँचेगा इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस फिर भी रहेगा ठीक है देन ही अगेन टुक अ लेफ्ट इसके बाद क्या किया इसने लेफ्ट लिया और कितना चला ट्वेंटी अब क्योंकि इसमें इस लाइन में, इस में और इस पॉइंट में कितना डिस्टेंस था इसमें फोर्टी था क्योंकि ट्वेंटी चल चुके थे तो इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो ट्वेंटी अगर ऊपर चलता है तो इसमें ऊपर कितना बचा ट्वेंटी किलोमीटर ठीक है तो इसमें अगेन ही टुक अ लेफ्ट तो यहाँ तक पहुँच गया और फाइनली टुक हिज राइट टर्न एंड वॉक डवेंटी एक राइट right टर्न इसने लिया और 20 मीटर जो है 20 किलोमीटर इसने वॉक किया इस पॉइंट पे पहुंचा ठीक है अब देखिए टोटल 60 था 20 ये आ गया 20 ऊपर आ गया तो कितना बनेगा 40 20 का ही गैप इसमें है देखिए यहाँ पे 20 है और आगे कितना है 20 और आगे 20 है तो 60 बन गया टोटल इस तरफ 60 बन गया और यहाँ पे ऊपर से नीचे कितना है फोर्टी कवर हो चुका तो इसमें जो डिस्टेंस है अगर उसको देखेंगे तो वो बचेगा ट्वेंटी किलोमीटर ठीक है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है अभी हमें क्या बताना है हाउ फार इज गौरव फ्रॉम इनिशियल पोजीशन इनिशियल पोजीशन ये थी फाइनल नीचे बन रही है तो उसमें कितना डिस्टेंस आ रहा है 20 किलोमीटर का तो ये जो बनेगा इसमें ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा ठीक है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका एससीए 2022 का है अ वर्कर स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज ऑफिस ही फर्स्ट वॉक्स 40 मीटर्स पहले 40 मीटर वॉक किया उसने साउथ की तरफ ठीक है तो इस पॉइंट से 40 मीटर वॉक किया साउथ की तरफ और क्या किया देन 30 मीटर वेस्ट इसके बाद 30 मीटर वेस्ट इधर 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो इससे कितना डिस्टेंस आएगा अब आप मैंने आपको बताया था इसमें पाथोग का यूज हो सकता है ठीक है तो देखिए आपने याद रखना है कि इन दोनों का स्क्वायर इसका स्क्वायर कितना बना इसका बना नाइन हंड्रेड इसका स्क्वेयर कितना बना फोर्टी का इसका बना सिक्सटीन हंड्रेड अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितना बनेगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का मीनिंग क्या है ये बनेगा फिफ्टी ठीक है तो आपने बस याद रखना कि तीन चार पाँच जहाँ पे तीन और चार छोटी साइड है वहाँ पे पाँच बनेगी बड़ी साइड जो कि ये बन रहा है ठीक है तो ये आपने याद रखना कितना बना इसमें 50 मीटर का इसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है ठीक है अब ये क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे ये एस सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री से है सिटी डी इज़ टू द वेस्ट ऑफ सिटी एम सिटी एम से वेस्ट में है इस पॉइंट्स के वेस्ट में कहीं पर सिटी डी है सिटी आर इज़ टू द साउथ ऑफ सिटी डी सिटी डी के साउथ में सिटी आर बन रही है ठीक है इफ़ सिटी के इज़ टू द ईस्ट ऑफ सिटी आर इसके ईस्ट में कहीं पे सिटी कौन सी बन रही है के सिटी के बन रही है और देन इन विच डायरेक्शन इज सिटी के लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू डी तो डी से कहाँ पे बन रही है टी से क्योंकि इसके स्ट्रेट नीचे ये बन रहा है तो इसके अगर डी के विद रिस्पेक्ट देखें तो के की पोजिशन कहाँ पे बन रही है ये बन रही है साउथ ईस्ट में देखिए नीचे पॉइंट है तो मतलब साउथ में अगर राइट right साइड को पॉइंट है तो उसका मतलब ईस्ट में अगर इनको दोनों के बीच में है तो कौन सा आएगा साउथ ईस्ट अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है सिटी जो एम है एम के विद रिस्पेक्ट अगर हम के को देखते तो उसका हम नहीं बता सकते थे उस केस में वो क्या बनता वो कांट भी डिटर्मिंट बनता या हम उसको बता नहीं सकते तो इस केस में क्या बन रहा है इसमें बन रहा है साउथ ईस्ट जो कि ऑप्शन डी बन रही है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे गिवन है अनुज मूव टेन किलोमीटर नॉर्थ देन ही टुक लेफ्ट एंड मूव फिफ्टीन किलोमीटर एंड देन टुक अ लेफ्ट एंड मूव ट्वेंटी किलोमीटर तो हमें क्या करना है इसको बना के देखना है पहले क्या किया अनुज ने टेन किलोमीटर नॉर्थ में मूव किया इस तरह से टेन किलोमीटर नॉर्थ में मूव किया फिर क्या किया एक लेफ़्ट लिया तो लेफ्ट हमारे लेफ्ट की तरफ इसमें कितना मूव किया इसने फिफ्टीन किलोमीटर उसके बाद क्या किया एक फिर से लेफ़्ट लिया फिर कितना मूव किया ट्वेंटी किलोमीटर तो इसका जस्ट डबल कर दो ठीक है इस पॉइंट से हम लेट कर सकते हैं कि टेन ऊपर टेन नीचे फिर क्या किया देन टुक अ राइट एंड मूव्ड फोटीन किलोमीटर इसके बाद उसने राइट लिया तो राइट क्या आएगा इसमें राइट इसके हमारे लेफ्ट की तरफ बनेगा कितना चला है फोर्टीन फिर उसके बाद क्या किया देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्ड सिक्सटीन किलोमीटर इसके बाद लेफ़्ट लिया लेफ्ट लेगा तो नीचे आएगा ठीक है सिक्सटीन किलोमीटर उसके बाद क्या किया देन मूव्ड राइट एंड देन मूव टर्न राइट एंड मूव एटीन किलोमीटर इसके बाद क्या किया इसमें राइट right टर्न लिया और 18 किलोमीटर यहाँ पे इसने जो है मूव किया ठीक है अब ये फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है अगर हम देखेंगे इसमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है तो सबसे पहले देखिए इससे देखेंगे तो ये लेफ्ट आ गया और ये नीचे आ गया लेफ्ट आ गया वेस्ट नीचे आ गया साउथ इनके बीच में बन रहा है यहाँ पे कहीं पे बन रहा है ये ठीक है और अगर मैं इसमें राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करके देखूँ तो इस तरह से ये राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होगा देखिए ये टेन था और ये सिक्सटीन है टेन और सिक्सटीन कितने बन गए ट्वेंटी सिक्स ये पॉइंट यहाँ तक कितना बनेगा ट्वेंटी सिक्स ठीक है ये जो साइड बनेगी अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मैं लेंथ देखूंगा इस लाइन की तो कितनी बन रही है फिफ्टीन फोर्टीन और एटीन अगर तीनों का सम किया जाए तो कितना बना ये बन गया इसमें फोर्टी सेवन ठीक है तो क्या कर रहा है फोर्टी सेवन जो है फोर्टी सेवन का स्क्वेयर दो छोटी साइड का सम का स्क्वेयर का सम फोर्टी सेवन का स्क्वेयर और ट्वेंटी सिक्स का स्क्यर इन दोनों का अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या बनना है फोर्टी सेवन का स्क्वेयर बनता है अगर मुझे स्क्यर निकाला तो क्या करना है ये फिफ्टी से कितना कम है तीन तो तीन का स्क्वेयर कितना है नौ तो ज़ीरो नाइन और तीन कम है तो क्या करेंगे ट्वेंटी फाइव से तीन कम कर दे टू डबल टू ज़ीरो नाइन ठीक है और उसमें क्या करना है ट्वेंटी सिक्स का स्क्वेयर दैट इज़ सिक्स सेवन सिक्स इनको ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है यहाँ पे बनता है टू एट एट फाइव ये हमें फाइंड आउट करना है ठीक है अब अगर मैं इसको अंडर रूट में रखता हूँ तो वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में रखने पे देखिए आपको मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने फोर्टी सेवन का स्क्वायर निकाला है पचास से कितना कम है तीन तो पच्चीस से भी तीन कम किया तरह से ये पच्चीस से कितना ज़्यादा है तीन ज़्यादा है अप्रोक्सीमेट हो जाएगा आपको पता लग जाएगा कि ये फिफ्टी थ्री के स्क्र के से के आसपास है ठीक है तो फिफ्टी थ्री का अगर मैं स्क्यर निकालता हूँ तो वो कितना बनता है पचास से तीन ज़्यादा मतलब पच्चीस से भी तीन ज़्यादा तो ये बनेगा टू एट जीरो नाइन ठीक है अगर मैं फिफ्टी फोर का स्क्वेयर देखूंगा तो कितना बनता है पचास से चार ज़्यादा ठीक है तो क्या बना पच्चीस में भी चार ज्यादा तो क्या करेंगे चार का स्क्वेयर दैट इज सिक्सटीन और उसमें क्या करना है इसमें चार ज़्यादा तो पच्चीस से चार ज़्यादा ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन सिक्सटीन इसके बीच में कहीं पे ये लाई कर रहा है दैट इज फिफ्टी थ्री पॉइंट समथिंग तो फिफ्टी थ्री पॉइंट समथिंग जो है ये ऑप्शन सी में बन रहा है हमें क्या करना है इससे इसमें अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस इसमें पता करना था फ्रॉम ओरिजिनल पॉइंट ठीक है तो ये इसका आंसर बन रहा है इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस ठीक है बट अगर इसमें टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस क्या आएगा टेन फिफ्टीन ट्वेंटी फोर्टीन सिक्सटीन और एटीन इन सभी का सम वो बनेगा ठीक है चलिए अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये गिवन है इसमें कि रीड दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दी क्वेश्चन बिलो इसमें जो आंसर देना है हमने क्वेश्चन का इसमें गिवन क्या है देखिए यहाँ पे P हैश आर डॉलर ए स्टार यू हमें बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में है U विद रिस्पेक्ट टू P ठीक है P से कौन सी डायरेक्शन में बन रहा है अब देखिए A हैश B का क्या मीनिंग है B इज एट वन मीटर टू द राइट ऑफ A जैसे हमने डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में कोडिंग देखी है वैसे उसी तरह की ये यह कोडिंग यहाँ पे गिवन है ठीक है इसमें गिवन है यहाँ पे कि जो सेकेंड पॉइंट है वो पहले पॉइंट से कहाँ है उसके वन मीटर राइट में अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें इन ईच ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग नॉर्थ मतलब ये लेफ्ट से ये जो पर्सन है ये नॉर्थ में देख रहा है तो हमारे लेफ्ट की तरफ इनका लेफ्ट हमारे राइट right की तरफ इनका राइट right, ठीक है आगे देखिए ए डॉलर बी ये डॉलर क्या बता रहा है ये बता रहा है कि बी जो है वन मीटर नॉर्थ में है ए के मतलब पहले पर्सन से दूसरे पर्सन को बताया गया सिमिलरली पहले पर्सन से दूसरे पर्सन का ये जो बताया गया है इसमें स्टार बता रहा है लेफ्ट की तरफ और एट द रेट बता रहा है साउथ की तरफ ठीक है अब हम इसको बना के देखते हैं जैसे कि यहाँ पे गिवन है P हैश आर डॉलर ए स्टार यू तो हैश क्या बताता हैश बताता है राइट साइड ठीक है जो P है इससे जो R है वो कहाँ पे बन रहा है P यहाँ पे है पॉइंट इससे राइट right साइड को वन मीटर डिस्टेंस पे क्या बन रहा है R बन रहा है ठीक है और R के विद रिस्पेक्ट A हम बनाएंगे डॉलर का मीनिंग है नॉर्थ तो आर से ए बनेगा वन मीटर नॉर्थ में ठीक है और उसी तरह से ये ए के विद रिस्पेक्ट किसको बताया गया स्टार यू इसका मीनिंग है कि ए के विद रिस्पेक्ट हम क्या बनाएंगे इसमें लेफ्ट में इसको बना देंगे सेकेंड पॉइंट को दैट इज़ यू तो इसके एक मीटर लेफ्ट में बनाएंगे तो यहाँ पे आएगा ठीक है अब क्योंकि देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या होगा पैरेलल तो उसमें डिस्टेंस क्या बन रहा है वन मीटर ठीक है और अगर हम बात करें इसमें जो पूछा गया यहाँ पे देन इन विच डायरेक्शन इज यू विद रिस्पेक्ट टू पी यू पॉइंट पी पॉइंट से कहाँ पे है तो इसके नॉर्थ में बन रहा है स्ट्रेट ऊपर तो क्या आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा ठीक है तो आपको इस क्वेश्चन इस फॉर्म में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे आपने क्वेश्चन को एक अच्छे से गो थ्रू कर लिया होगा तो अभी हम सेशन को क्लोज करते हैं And uh, thank you for your cooperation. And uh, please uh, like, subscribe, and share.